एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम लोग रिएक्शन देंगे केरला के ऊपर, एक्सप्लोरिंग केरला विद केरला टूरिज्म सिनेमैटिक वीडियो एंड ट्रैवलिंग मंडेज। इस वीडियो का आज हम लोग देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चल लेते हैं, देखते हैं वीडियो को कि वीडियो कैसी है। सो बिना देर के चलते वीडियो की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं। सो हियर वी गो। और उससे पहले अगर आप Kerala, also known as God's own country, and to feel this you have to come to Kerala. लेकिन अभी लॉकडाउन और कोविड की सिचुएशन से अगर आप नहीं जा सकते हो तो सेव दिस वीडियो फॉर लेटर एंड लेट मी टेक यू ऑन वर्चुअल ट्रैवल एक्सपीरियंस टू Kerala when I explored Kerala with Kerala Tourism. So watch this video till the end. जब भी दिल करे सब्सक्राइब करो, वर्चुअली घूमो और वाइब करो। पहाड़ों से वापस आने के बाद मेरे पास सिर्फ एक दिन का टाइम था, तो बैग से विंटर्स के कपड़े निकाले और समर्स के डाले। और बाय द वे हम लोग जा रहे हैं ट्रिवेंड्रम केरला। और जाते क्यों नहीं यार, साक्षात टूरिज्म बोर्ड ने इनविटेशन दिया है तो मतलब लेट्स गो। कोविड के प्रिकॉशंस लेते हुए फ्लाइट पकड़ी और फ्लाइट में मुलाकात हुई हमारे दोस्त UK07 से। और यार जाने से पहले कुछ खाया नहीं था तो माई प्रोटीन हैंडल माई हंगर वेल। डेफिनेटली चेकआउट प्रोडक्ट्स बाय माई प्रोटीन, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। After 3 hours of long flight, we have reached at Kerala Trivandrum. मैंने दिल्ली से निकलने से पहले अपना कोविड का RT-PCR टेस्ट करवाया था। And I also got my e-pass. For that, all you need is a boarding pass, your number and one ID, and you're done. All set. Great coincidence. ऐसे coincidence हमेशा होते रहे। तबाही बचाएंगे। इसके बाद बस कैब पकड़ी and welcome to the first hotel of this trip. और इस बार बहुत सारे होटल चेक-इन्स होने वाले हैं यार। में ये है अपना बाथरूम, काफी बड़े शीशे के साथ। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, एंड दिस इज द रूम, काफी खूबसूरत। अभी बज रहे रात के 10। तो अभी मैं केरला में क्या कर रहा हूँ, केरला टूरिज्म ने मुझे क्यों बुलाया और ये पूरी कहानी क्या है, ये बताऊंगा आपको कल सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई जस्ट वोक अप, गॉट लिटिल बिट रेडी। और बाहर से बालकनी का व्यू दिखाते हैं आपको। वहाँ पर एक स्विमिंग पूल और इफ़ यू कैन सी, आई कैन सी सी फ्रॉम हेयर, लाइक समुंदर दिख रहा है यहाँ से। क्या बात है। सो गाइस, इस होटल नेम इज उदय समुद्र, काफ़ी अमेजिंग होटल है। हम नीचे जाके दिखाते हैं आपको। आई जस्ट हैड माई ब्रेकफास्ट, इडली सांभर से दिन शुरू कर दिया है। एंड इस प्रॉपर्टी से जस्ट 10 कदम बढ़ाते ही आपको सामने दिख। हमने 10 इन्फ्लुएंसर्स को, ट्रैवल ब्लॉगर्स को इस ट्रिप पर बुलाया और अगले 7-8 दिनों में हम लोग मिलकर एक्सप्लोर करने वाले हैं केरला। और इट्स गोइंग टू बी अ बूम बूम ट्रिप, मतलब बहुत जल्दी जल्दी नई नई चीज़ें होने वाली, नए नए एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं। अभी मेरी टैक्सी आ गई है, सामान नीचे जा रहा है और अब निकलते हैं यहाँ से इनॉग्रेशन के लिए। लेट्स गो। इसके बाद रास्ते में रोनी भैया ने हमें बताया कि वाई केरला इज नोन एज केरला। Historically, we call it Kerala. It's not Kerala. It is derived from Sanskrit. Kerala means coconut. Yes. Alam means landscape. It's a coconut landscape. Guys, so now next time anybody asks you why Kerala is Kerala, it's coconut's landscape. So by the next moment, we made it to the event organized by Kerala Tourism Board. और यहाँ पहुँचते ही उन्होंने हमें तो टी-शर्ट्स और गुडीज दी। और उसके बाद एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सेशन हुआ। And my name is Shakti. I'm from Jaipur, Rajasthan, and I've been to Kerala. It's definitely God's own country. I'm very excited and looking forward to it. Thank you. उसके बाद हमें इवेंट ब्रीफ मिला और सबको एक अलग अलग आइटनरी दी, लेकिन अलग अलग जाने से पहले लेट्स मीट नोमैडिक इंडियन इज हियर। सॉरी भाई, मैं अपने हवा में आ गया थोड़ा। Hey, we are born to wear lakshay. Here we have Yatri Doctor. This is Anil Jila from Telangana State. Great meeting you, and I hope कि मजे आएंगे इस ट्रिप पर काफी. Thank you. And she is Vishakha, the writer. भाई मेरा माइक छोड़ दो भाई प्लीज, कभी कोई तोड़ रहा है यार. मेरे इसका दुकान भी ले रहा है यार, इसका भी खराब कर देना. ठीक है, तो उसके बाद बस लंच किया और निकल गए अपनी आइटनरी पे। बाहर अगर देखा तो बहुत सारे न्यूज चैनल्स, मीडिया, फोटोग्राफर्स वर कवरिंग दिस इवेंट। भारी सीन है बाबा यहाँ पर, भारी। एंड दैट्स हाउ द फ्लैग ऑफ हैपेंड। मेरा नाम ओक है, मेरे के क्या मालूम है वो मैं आपको बताएगा। जरूर सर, जरूर। अब हम लोग वर्कला देखी। ऑलराइट गाइस, फाइनली मैं निकल गया हूँ और हमारे डे वन की फर्स्ट जो स्पॉट है दैट इज गोइंग टू बी वर्कला बीच। एंड वर्कला इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच इन केरला एंड द ड्राइव इज अबाउट 1 hour एंड समथिंग, सो वी आर ऑन द वे एंड happen. Wow, मौसम कितना खूबसूरत है। मैं यहाँ पे पहुँचा तो एकदम धूप थी, लेकिन थोड़ी देर में बारिश होने लग गई। And now weather is so beautiful. Now I can show you guys how this beautiful cliff beach of Varkala looks like in like 3, 2, and 1. Alright guys, I hope you enjoyed the shots. Now this cafe name is Cafe Italiano. When you're coming to Varkala, you want to have Italian. Good view, good food, nice place. Now it's time to get back to the taxi and head to Kolam. Good morning everyone. I just woke up in this beautiful property called Fragrant Nature और बहुत अच्छी यहाँ पे आवाज़ें आ रही है पक्षियों की सुबह सुबह। और मेरी प्रॉपर्टी की बालकनी से, मेरे रूम की बालकनी से सामने यहाँ पे खूबसूरत बैक वाटर्स दिखाई दे रही है, जस्ट लाइक 10 steps अवे फ्रॉम द प्रॉपर्टी। क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा, देखिए। That I'll get to see such beautiful and earthy landscapes in Kerala. Wish I could stay here for more. लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था, we'll be exploring new place every day. After amazing stay at Fragrant Nature property, हम लोग जा रहे हैं Alappuzha। तो बैक वाटर जाएंगे, कुछ ब्यूटीफुल हाउस बोट एक्सप्लोर करेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। लेट्स गो। And that's how we made it to Alappuzha, also known as Alappuzha, and to this beautiful houseboat. So if you have never been to a houseboat ride, then let me take you on a virtual one in like 3, 2, and 1. So guys, this is a boat and this is a houseboat, also known as Kettuvallam. In earlier times, these were used to transport rice after harvestation in paddy fields, and then later they turned them into a houseboat to host travelers from all around the world. And let me give you a tour of one of them. Imagine, एक सुबह आप यहाँ उठते हो और आपकी खिड़की के बाहर ये नज़ारे हैं। जितना दूर तक देखोगे ज़मीन बहुत कम है, लेकिन पानी और सुकून काफ़ी है। और जब आप डेक पर अगर खड़े होगे, यू विल सी योर हाउस बोट क्रॉसिंग थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बैक वाटर्स. So backwaters is a network of lagoons, rivers and canals spread over 900 kilometers in Kerala. So you get to see a lot of villagers living their regular life and their houses. Coming back to a houseboat, they have a restaurant on their first floor and they serve you delicious traditional Kerala fish thali. एक और amazing चीज़ जो मैंने यहाँ notice की, as I told you, water transport is the only transport here. तो जिस तरह हमारे यहाँ बस स्टैंड होते हैं, इनके यहाँ बोट स्टैंड होते हैं और हम ज़मीन पर रहने वाले लोगों के पास में लग्जरी है कि हम कहीं पे ड्राइव कर सकते हैं या फिर ऊबर ले सकते हैं. बट दीज पीपल ईदर हैव देयर पर्सनल बोट और स्पीड बोट और दे रिलाई कम्प्लीटली ऑन दीज पब्लिक फेरीज. तो कुछ इस तरह मेरी हाउस बोट ट्रिप ख़त्म होने ही वाली थी, लेकिन मेरा जाने का मन बिल्कुल नहीं था. एंड आई सजेस्ट यू गाइज टू स्टे एटलीस्ट फॉर ए नाइट इफ़ यू कमिंग हियर. और अगली जगह जहाँ हम जा रहे हैं वो कुछ और अलग लेवल पर होगी, बिकॉज इफ यू आर ए नेचर लवर, केरला हैज लॉट टू ऑफर. Alright guys, this was it for houseboat experience. I definitely recommend you guys to explore backwaters and have houseboat ride. And now let's get back to the hotel. Guys, after this houseboat experience हम लोग पहुँच गए हैं हमारे स्टे में. स्टे का नाम है The Water Escapes और ये बहुत ही amazing प्रॉपर्टी है. A very good morning everyone. Today we are in Kumarkom. Kumarkom is famous for bird watching. बहुत सारे wildlife photographers, wildlifers यहाँ पे आते हैं birds देखने के लिए. So we are going on a bird watching experience. So yeah, let's go. और इस experience पर हमारे साथ जा रही है आंचल. She is an Instagrammer and blogger, her sister and a guide. Guys, now I'm not gonna say anything, just listen. Just listen the sounds. So guys, the jungle was real dense. मतलब हर जगह से पक्षियों की आवाजें आ रही थी। आजकल इंस्टाग्राम क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा माना जाता है क्योंकि इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइबर्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। Following this narrow path, हम इस जंगल में और अंदर जा रहे थे। Focus नहीं कर रही इंस्टाग्राम वगैरह को। While crossing these scenic trails, कितनी प्यारी आ रही है। तो जंगल में थोड़ा आगे जाकर हमें हमारे गाइड ने बताया, this jungle is full of rubber trees. इसकी टैपिंग करके इससे रबर निकाला जाता है जिसे प्रोसेस करके बहुत सारी चीज़ें बनती है. एंड जस्ट फॉर अ फैक्ट, इंडिया में सबसे ज़्यादा रबर का प्रोडक्शन केरला में ही होता है. I mean, like seriously, it's not a rope, dude. It's a proper branch shaped in a झूला. कौन आता था यहाँ पे? मोगली. Nice. इसके बाद जैसे जैसे हम जंगल में आगे जा रहे थे, बर्ड्स की आवाज़ तेज होती जा रही थी. That means we were close to this different world. Oh, nice. ये है बादाम का पेड़ और ये है कच्चे बादाम. And after a few more steps in this jungle, हम पहुँच गए इस बर्ड ऑब्जर्वेटरी पर. और ये टावर आपको इन पेड़ों की टॉप की हाइट तक ले आएगा. And that's where the birds are. So now it's time to see some birds. Let's do it. बहुत खूबसूरत है केरला यार. और यहाँ पर परिंदों को देखो यार. So beautiful. मतलब ऐसा लग रहा था डिस्कवरी वाले शॉट्स आए, मतलब जो डिस्कवरी चैनल पे देखते थे हम लोग. It was so nice. I hope you guys also love that. Now we are heading to get our speedboat. तो इतना पैदल चलने के बाद this boat ride was like a treat in this weather. And that's how we made it back to our hotel. And this is it guys for this episode. I'll see you guys in my next vlog. Till then, keep chilling, stay safe where you are, and do not forget, Bawa, you're beautiful. Subscribe karo aur vibe karo. यार ये जो आवाज़ आ रही थी ना, इतनी कोई खूबसूरत और इतनी कोई अट्रैक्टिव लग रही थी. कितनी मज़े की आवाज़ लग रही थी. सीरियसली मुझे तो इतना कोई अच्छा लग रहा था ये म्यूज़िक साउंड सुनकर. मैं आपको बता नहीं सकती. और इतनी अच्छी कोई इन्होंने कोई स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, मतलब सिनेमैटिक जो वीडियो के शॉट्स थे वो बहुत ज़बरदस्त थे. अमेजिंग वीडियो. आज तक की मैंने जितने भी व्लॉग्स देखे हैं उनसे सबसे बेस्ट वाली जो वीडियो लगी ना वो ये वाली लगी. इसमें फुल इन्होंने एक जो है ना व्यू के साथ हमें इस कदर कोई नेचर से क्लोज कर दिया, इतना कोई क्लोज किया कि नेचर फील हो रहा था कि हाँ ये नेचर देखो यार. मज़ा आ गया, इतना कोई खूबसूरत. और दूसरी बात ये है कि वीडियो अच्छी थी और साथ में म्यूज़िक भी बहुत अच्छा था. लेकिन अगर हम बात करते हैं टूर की तो ट्रिप बहुत ज़बरदस्त था. केरला इतना कोई खूबसूरत और नेचुरल ब्यूटी के साथ है. और यहाँ पर पानी, ग्रीनरी बहुत है। और मैंने यहाँ पर सुना है कि यहाँ पर नारियल वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसे हम कोकोनट भी कहते हैं। एंड इसमें जो है वो यहाँ से एक सुना है कि बहुत सस्ते भी मिलते हैं कोकोनट वाटर। एंड इसके साथ साथ वहाँ का जो घर बने हुए हैं, होटल्स हैं, वो बहुत ही कोई खूबसूरत, और मेन जो है ना वहाँ पर जो उसके साथ हम नेचर और ब्यूटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वहाँ की जो ग्रीनरी थी उसको देखकर दिल कर रहा था कि बस यहाँ पर मैं भी रह लूँ। इतना कोई खूबसूरत और अट्रैक्टिव था कि दिल चाह रहा था कि इस वीडियो को कंटिन्यूसली देखती जाऊँ और कभी ख़त्म ना हो। इस कदर कोई ये माइंड फ्रेश रिलैक्सिंग वीडियो थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। यकीनन आपको भी गाइज अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो मेरा भी व्लॉग चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर दो यार मेहरबानी आपकी। खैर उसका भी लिंक आपको कमेंट में भी मिल जाएगा पिन करके, और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप जाके ज़रूर वॉच कीजिएगा मेरे व्लॉग्स, एंड आपको अच्छे लगेंगे। बाकी यही है कि विशाखा भी आई हुई थी, और नोमैडी कुछ करके नाम था, तो वो भी आए हुए थे। बहुत सारे व्लॉगर्स आए हुए थे, इनको उन्होंने स्पॉन्सर शायद किया हुआ था, जिसकी वजह से जो है कि वहाँ पर ट्रैवल करके लोगों को बता रहे हैं कि ये जगहें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। एनीवेज ओवरऑल अच्छा था वीडियो, मज़ा आया देखकर। एंड आई विश कि लाइफ में कभी एक बार मुझे भी जाने का मौका मिले और मैं वहाँ जाऊँ और मैं एक्सप्लोर करूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों से शेयर करूँ। बाकी ओवरऑल अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। एंड आप लोग कभी यहाँ पर गए हैं तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और क्या आप लोग कभी गए हैं या फिर आप ऑलरेडी यहाँ पर रहते हैं, तो अभी आप मुझसे अपना एक्सपीरियंस जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा लगेगा, क्योंकि इस तरह के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो शेयर करते रहने से ये होता है कि काफ़ी एक दूसरे को नॉलेज मिलती रहती है। आप लोगों के कमेंट और भी लोग रीड करते हैं, जिससे ये होता है कि दूसरों को भी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। एंड पॉजिटिव वाइब्स के साथ एंड यहाँ पे करूँगी कि इन्होंने जो स्क्रीन शॉट मतलब जो ऊपर से ड्रोन शॉट्स लिए हैं वो बहुत ही कोई ज़बरदस्त लिए हैं। परिंदों की आवाज़ इतनी कोई अच्छी लग रही थी और गूंजती हुई, और एक एक शॉट को इन्होंने मिस नहीं किया, और बहुत ही ज़बरदस्त एकदम कूल जो होता है ना, ये वो वाला व्लॉग था एक्सप्लोरिंग का केरला। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड गाइज आपको भी यकीनन अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा। टेक केयर, बाय बाय।